जम्मू कश्मीर में बारिश ने तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड। जम्मू शहर में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 32 साल बाद शहर में बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है, जिसमें कई लोगों के घर उजड़ गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने पलटे इतिहास के पन्ने। अनुच्छेद 370-35A की बहाली के लिए दिए ये तर्क। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का राग अलापा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370-35A और डोमिसाइल कानून विदेश मुल्क द्वारा नहीं दिए गए थे। महाराजा हरि सिंह ने इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा के लिए लाया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा, लेकिन इन कानूनों के निरस्त होने के बाद ऐसा लगता है इसके पीछे एकमात्र मकसद जम्मू कश्मीर को लूटना था। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स में बाहर के लोगों को शीर्ष स्थान दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को नकारा जा रहा है। रामबन के मगरकोट में पस्तियां गिरने के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। उधमपुर के विभिन्न हिस्सों में गाड़ी जाने वाले वाहनों की कतारें लगी हैं। मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संक्रमण को दावत। हिल स्टेशनों पर उड़ रही सामाजिक दूरी की धज्जियां मुसीबत का सबब बन सकती है ये लापरवाही। बाजारों और स्टेशनों में लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो कि चिंता का सबब है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की दबाई जैसा मंजर। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। 16 जिलों में हटा वीकेंड कर्फ्यू। इसके साथ साथ बार और रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से ड्रोन से गिराए हथियारों की घाटी में तस्करी नाकाम। ट्रक चालक गिरफ्तार। सीमा पार से ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों की घाटी में तस्करी को रविवार को नाकाम बनाते हुए पुलिस ने पुलवामा निवासी एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। फिलहाल पूछताछ जारी है। इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव है। रविशंकर प्रसाद ने नई आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को दी बधाई। ट्विटर पर सख्ती के लिए की तारीफ। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फॉर्मर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को नई आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को बधाई दी और नई आईटी नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उनकी सराहना की। अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे। उम्मीद के मुताबिक वहां भी उन्होंने राज्य में आपकी पार्टी बनाने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और बकाया बिल माफ करने की घोषणा की। उन्होंने उत्तराखंड के दोनों पारंपरिक दलों भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाम पर घेरा और कहा कि वह इस पहाड़ी राज्य में भी दिल्ली की तरह साफ स्वच्छ राजधानी देंगे। 19 जुलाई 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र, लोकसभा स्पीकर ने दी जानकारी। जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र आयोजन कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान 19 बैठकें आहूत की गई है, जिसमें दोनों सदनों की बैठक एक ही समय पर होगी। केजरीवाल बोले, बहुत हुई गंदी राजनीति, अब बदलाव चाहते हैं गोवा के लोग। गोवा में अगले साल यानी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों ने मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी गोवा के आगमनी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को गोवा के दौरे पर जा रहे हैं।